हेलो एवरीवन वेलकम इन टुडेज लेक्चर आज के लेक्चर में हम बात करेंगे अबाउट डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव इन फ्रेंच और ये होते क्या हैं हम ये अच्छे से समझेंगे इंग्लिश में डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव क्या होता है मैं उससे स्टार्ट करता हूं आपने इंग्लिश में ये वर्ड्स देखे होंगे दिस दैट दीज या फिर दोज ठीक है अब ये वर्ड्स किस किस लिए यूज होते हैं ये वर्ड्स यूज होते हैं टू पुट मोर ऑन अ नाउन ठीक है जब भी हम किसी सेंटेंस की बात करें फॉर एग्जाम्पल आई वॉन्ट दिस कार या दोज आर माई किड्स ठीक है तो हम आर्टिकल नहीं यूज कर रहे हम प्रॉपरली एडजेक्टिव यूज करके बता रहे हैं कि दिस किड दैट कार या फिर दोज पीपल ठीक है तो हम उन चीजों को पॉइंट आउट कर रहे हैं सो so, उसी तरह हमारे फ्रेंच में भी डेमोन्स्ट्रेटिव एबजेक्टिव होते हैं जो यूज होंगे टू पॉइंट आउट टू सर्टेन नाउंस टू पॉइंट आउट एंड टू बी वेरी स्पेसिफिक वेन वी आर आइडेंटिफाइंग द थिंग्स ठीक है तो उन चीजों की हम बात करेंगे देखो इंग्लिश में तो डेमोन्स्ट्रेटिव एबजेक्टिव ये दो होते हैं सिंगुलर के लिए और ये दो होते हैं प्लूरल के लिए ऑब्वियसली इंग्लिश में हमारा जेंडर्स का कंसेप्ट नहीं है हाउ एवर फ्रेंच में हमारा जेंडर्स का कंसेप्ट है सो दैट इज वाई हमारे डेमोन्स्ट्रेटिव एबजेक्टिव चेंज होंगे अकॉर्डिंग टू द जेंडर्स एज वेल एंड अकॉर्डिंग टू द नंबर एज वेल ठीक है तो मैं यहां पे लिख देता हूं जेंडर्स पे डिपेंड करेंगे ऑल्सो अगर वो नाउन वॉवल या फिर एच से स्टार्ट हो रहा है उस हिसाब से भी थोड़ा सा चेंज आ जाता है उसके बारे में आपको बताऊंगा एंड एट द एंड वेदर इफ दे आर प्लूरल तो उसके हिसाब से भी हमारे डेमोन्स्ट्रेटिव एब्जेक्टिव चेंज करेंगे सो so, ईजी है इट्स नॉट डिफिकल्ट एक बार आपको डेमोन्स्ट्रेटिव uh, एबजेक्टिव की लिस्ट दिख जाएगी अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा मैं पहले आपको इंग्लिश में एग्जाम्पल देता हूं कि डेमोस्ट्रेटिव एब्जेक्टिव यूज कैसे होते हैं ताकि आपका कंटेक्ट अच्छे से बिल्डअप हो जाए दिस कार इज अमेजिंग ठीक है दिस कार इज अमेजिंग अब ये जो वर्ड है ये कार पर एम्फेसिस दे रहा है दिस कार इज अमेजिंग ठीक है यूजली अगर मैं बोल, बोलूँ कार इज अमेजिंग ठीक है उसका नहीं बनता बट इफ इफ यू टू पॉइंटिफिक कार यूरिंग आई वॉन्ट टू बाई दिस बहुत सारे उधर ऑप्शन थे बट यू वॉन्ट टू बायेफिक टी शर्ट सो इसलिए हम ये वाला डेमोस्ट्रेटिव यूज करते हैं अगर मैं बोलता आई वॉन्ट टू बाय टी शर्ट दैट मीन्स की मुझे जनरली कोई भी एक टी शर्ट चाहिए बट वेन यू एट दीज वस आप ज्यादा स्पेसिफाई कर रहे हो कि कौन सी आपको स्पेसिफिसिटी में चीज चाहिए सो दिस इज द यूज ऑफ द डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव दीज पीपल आर वेरी हेल्पफुल ठीक है अगेन दिस इज दिस इज द डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव यूज फॉर प्लूरल सो दिस इज हाउ वी विल बी यूजिंग डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव इन फ्रेंच एज वेल तो चलो नीचे चलते हैं और हम फ्रेंच में बात करते हैं कि वट आर द डेमस्ट्रेटिव एडजेक्टिव हमारे पास चार डिफरेंट टाइप के डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होते हैं आपको ये स्क्रीन पर देख के अच्छे से समझ आ जाएगा कि कौन सा कौन सा कब यूज होगा अब हमारे पास चार डिफरेंट सिनेरियोज या चार डिफरेंट टाइप्स ऑफ नाउन होंगे जिसके साथ चार डिफरेंट टाइप्स के हमारे ये डेमोस्ट्रेटिव एबजेक्टिव यूज होंगे फर्स्ट इफ यू हैव अ मैस्कुलिन सिंगुलर नाउन ठीक है मैस्कुलिन सिंगुलर उसके आगे आएगा स ठीक है सी ई स आई टेक एन एग्जाम्पल ऑफ अ बुक अ बुक इज वॉट लीव लेकिन अगर मैं बोलूं दिस बुक दैट विल बिकम स लीव ठीक है दिस बुक सर लीफ अब अगर हमारे पास कोई मैस्कुलिन सिंगुलर नाउन है जो स्टार्ट हो रहा है वॉवल या फिर एच से ठीक है अब वॉवल एच से स्टार्ट हो रहा है तो हमें पीछे टी लगा लगा देना पड़ता है ताकि हम उसको प्रॉपरली प्रोनाउंस कर सकें सो दैट्स इट बिकम्स सेथ मेक श्योर sure कि इसकी प्रोनाशिएशन पे आप ध्यान दीजिए दिस इज प्रोनाउंस स सर इज दिस इज प्रनाउंस ए सेत ठीक है अब अगर मैं बोलूं अ होटल अ होटल इज वट होटल विच इज स्टिल मैस्कुलिन हाउ एवर यह एच से स्टार्ट हो रहा है या कोई भी और चीज जो वॉवल से स्टार्ट होगी उसके लिए अगर हमने बोला हूं कि दिस होटल आई लाइक दिस होटल तो उसके लिए क्या बन जाएगा ओके बट यू हैव टू मेक श्योर ये सेत तभी आएगा जब ये मैस्कुलिन है ठीक है फेमिनिन है तो ऐसा नहीं होगा फेमिनिन के लिए हम सिर्फ यूज करते हैं दिस वर्ड विच इज सेत ठीक है uh, चाहे फेमिनिन हो वो वॉवल या फिर एच से स्टार्ट हो रहा हो या वॉवल एच से स्टार्ट नहीं हो रहा हो दैट डजेंट मैटर एज लॉन्ग एज दैट थिंग इज सिंगुलर और फेमिनिन वी विल बी यूजिंग सेत ठीक है फॉर एग्जाम्पल आई वॉन्ट दिस कार दैट विल बी से त्यूख अब अगर मैं बोलूं दिस स्टोरी दिस स्टोरी ठीक है स्टोरी इज कॉल्ड इस दिस इज बेसिकली फेमिनिन लेकिन अब ये एच से तो स्टार्ट हो रहा है आपको लगेगा कि ओ सीईटी टी यूज करना है बट नो बिकॉज दिस इज फेमिन इट ड मैटर कि ये एच एम वॉवल से स्टार्ट हो रहा है वी विल स्टिल यूज सेथ ओके दिस स्टोरी सो दैट विल बी से ओके एंड देन द लास्ट वन वी हैव इज फॉर द प्लूरल अब प्लूरल में दोस्तों ये मैटर नहीं करता कि चाहे वो मैस्कुलिन हो चाहे वो फेमिनिन नाउन हो या फिर वो वोवल और एच से स्टार्ट हो रहा हो दैट मैटर एज एज लॉन्ग वो प्लूरल है यू विल ऑलवेज बी यूजिंग से ओके से लेट्स टेक दिस एग्जाम्पल ठीक है हमने बोला था अ होटल उसका डेमोन्स्ट्रेटिव बना था सेतोतल बट अगर मैं बोलू दीज होटल्स दैट विल बी से और ये प्लूरल आ गया बट मेक श्योर टू यूज द लिय रूल ठीक है सेल से सेज ओ तेल अब अगर मैं बोलू दीज बुक्स दैट विल बी से ठीक है अब ये मैस्कुलिन था बट स्टिल वी हैव से अगर मैं बोलू दीज uh, कार्स दैट विल बी से कार्यूह ठीक है सो डजेंट मैटर की वॉवल एच से स्टार्ट हो रहा है डजेंट मैटर की uh, है, so these are है? आपको नीचे चल के हम थोड़ी सी और एग्जाम्पल की बात करते हैं जिससे आपको अच्छे से समझ आएगा अच्छा दोस्तों अब नीचे मैंने क्या किया है कि नीचे मैंने थोड़े से वर्ड लिख दिए हैं और आपको इन वर्ड्स के आगे पर्टिकुलर डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव लगाना है इन नाउंस के आगे डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव लगाना है हाउ एवर द कंडीशन इज इट शुड बी करेक्ट उसके पहले आपको क्या पता होना चाहिए आपको इसका जेंडर पता होना चाहिए कि वेदर इफ इट्स मैस्कुलिन फेमिनिन या अगर वो एच या वॉवल से स्टार्ट हो रहा है नहीं हो रहा ठीक है सो फर्स्ट वन इज ताब्लो ताबलो मीन्स टेबल अब इसका जेंडर क्या होता है ल ठीक है ल लाब्लो बट अगर हमने बोला दिस टेबल दैट विल बिकम स ठीक है स ताब्लो Livre. इसकी हमने एग्जाम्पल ले ली थी दिस बुक इज स इट देव सेन एंड सिंगुलर ओम नाउ दिस इज ऑल्सो स्टार्टिंग विद एच सो दिस विल बी वट से क्या इसका जेंडर पता है वट इज दोंग द सॉन्ग इज ला शो सो so, इसके साथ हमारा डेमोस्ट्रेटिव एब्जेक्टिव क्या आएगा सॉन्ग, फेमेनिन ओके दिस सॉन्ग हमारा होता है फेमेनिन सो दैट्स वाई इट विल बी से अब हमारे पास आ गई बुक्स विल बी वट सेटल अगेन सेज ओ सो अगर प्लूरल हो इट ड मैटर की वेदर इफ इट्स मैस्कुलिन और फेमेनिन हमारा से ही आएगा देखो ये था हमारा फेमिन ये थे हमारे मैस्कुलिन सो इट ड मैटर

टिव है लेकिन न्यूट्रल रहता है whether you have masculine feminine. लेकिन आपको आगे वाली जो एंटिटी है वो चेंज करनी पड़ेगी सो so, अगर मैं बोलूं वेरी वेल्सिया दिस इज प्रोनाउंस एज पै दर्ब इज पैंथ विच मीन्स टू पेंट अगर हम बोले दिस आर्टिस्ट पेंट वेरी वेल दैट विल बी सैतीस्त पैबिया अगर वो आर्टिस्ट फेमिनिन होती लड़की होती देन दैट वुड बिन सत अखतीस्त ओके ये सेम ही रहता दिस फ्लावर इज वेरी कलरफुल अब फ्लावर था सेत ए थे, कोलो कोलोहे कलरफुल इज कोलोहे ये इसके पीछे ई आएगा बिकॉज दिस इज एडजेक्टिव विच मस्ट बी एग्रींग द जेंडर ऑफ द नाउन आई लव दीज शूज सो मच येम और यू कैन से दोह ठीक है या दो तेलमो से शो सी अंडरस्टैंड दीज कंसेप्ट देट विल बी नू कॉम्फेनो कॉम्फ्रॉन्द्र ठीक है कॉम्फेनो दिस इज आर दीज कंसेप्ट अब अ कंसेप्ट इज ल कॉन्सेप्ट ओके ल कॉन्सेप्ट दीज कंसेप्ट इज से कॉन्सेप्ट तो आगे अगर हम बोलें कि दीज आर द क्लोज आई वॉन्ट ठीक है दीज आर द्लोज आई वॉन्ट उसके लिए क्या बन जाता है These are, तो हमारा यहां पे मैंने लिख दिया saison. ठीक है ये ऐसे ही कॉन्जुगेट होगा वॉन्ट दीज आर द क्लोज आई वॉन्ट उसको हम फ्रेंच में ट्रांसलेट करते हैं दैट बिकम से दैट है बीच में प्लीज ये रिलेटिव प्रोनाउन जरूर लगा देना इंग्लिश में कभी कभी ये यूज होता है कभी कभी नहीं यूज होता बट इफ यू वॉन्ट टू बी कंटेक्चुअली ग्रामेटिकली वेरी करेक्ट इन फ्रेंच इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू यूज रिलेटिव प्रोनाउन क विच मीन्स दैट ओके दीज आर द क्लोज दैट आई वॉन्ट इंग्लिश में भी ये कभी कभी यूज हो जाता है कभी कभी नहीं होता सो दीज आर डेमोन्स्ट्रेटिव एबजेक्टिव दोस्तों आई होप आपको ये समझ में आया हो अगेन आपको ये लर्न करना बहुत जरूरी है कि कौन से नाउन के जेंडर्स मैस्कुलिन फेमिनिन होते हैं उसी से आपको ये अच्छे से करेक्टिस की एप्लीकेशन आपको समझ में आएगी सो so, एक क्विक सी रिवीजन करते हैं मैं आपको फिर से ये बताना चाहूंगा कि कौन कौन से डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हमारे यूज होंगे आ, हर एक केस में सो so, अगर हमारे पास मैस्कुलिन मैस्कुलिन नाउन है और हम सिंगुलर डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हमने यूज करना है तो क्या होगा स ओके लेकिन अगर हमने प्लूरल यूज करना है तो क्या होगा से एग्जाम्पल स लीव से लीव अगर हमारे पास मैस्कुलिन है बट वॉवल या फिर एच से स्टार्ट हो रहा है उसके लिए हम क्या यूज करेंगे सेत एक अनदर एग्जाम्पल लेता हूं मैं से दिस ट्री अगर मैं बोलू दीज ट्रीज दैट वुड बी सेट दब फेमिन में क्या होता है दिस दैट सिंगुलर बिकम्स सेत से शमीज इ्पल ऑफ दिस शर्ट सेट्स शमीज अगर मैं बोलू दीज शर्ट्स दैट बिकम्स से शमीज विद एस एट डी एन सो दिस इज हाउ वी विल बी यूजिंग डेमोन्स्ट्रेटिव ऑब्जेक्टिव इन फ्रेंच अच्छे से इसको समझना और प्लीज अगर कोई डाउट्स होंगे डू नॉट हैजिटेट टू आस्क मी एंड आई होप यू विल बी प्रैक्टिसिंग इट एज वेल एज यू कैन एनाल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर थैंक यू